बड़ा कोइंसिडेंटली मुझे मिला और डेफिनेटली बड़ा अच्छा थ्रिया में, तो यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। ये कार्स है और ये दोनों कार्स है, देखो कितनी क्यूट। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद अ मॉम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सुबह सुबह का टाइम है, आई एम ऑल्सो फीलिंग लिटिल बिट बेटर। क्या स्कूल के लिए रेडी हो रहा है और मैंने उसका लंच वगैरह प्रिपेयर कर दिया है, देन वी विल गो। शक्तिमान बनाया आज, पूरा लंच खा के आना है ना। हाँ रखो, चलो बंद कर दो सबको अच्छे से। मैंने कैश का लंच पैक करके रख दिया, तो उसने खुद ही अपना लंच बॉक्स अपने बैग में डाल लिया है और अपना बैग रेडी कर लिया है। चलो अपना ब्रेकफास्ट कर लो। कैश आज जल्दी रेडी हो गया, उसके बस का टाइम हो जाएगा फिर हम नीचे जाएंगे। कैश के स्कूल जाने के बाद मेड भी आ गई थी अपने टाइम से, उसने भी अपना काम कर लिया, सो इट्स ऑल सेट नाउ। तो मैं भी नहा के आ गई थी, फिर मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली और भगवान जी को भोग चढ़ा दिया था, बिकॉज फीवर की वजह से ना कल दो दिन भोग भी नहीं लगा, तो भगवान जी को भोग चढ़ा दिया था और मैंने अपनी आरती पूजा आराम से कर ली थी। इट इज़ द आफ्टरनून टाइम, सो आई केम इन टू द किचन और मैं बना रही थी खिचड़ी, जो कैश भी खा लेगा मैं भी खा लूँगी। बहुत ही लो फील हो रहा है इस टाइम तक, तो मैंने सिर्फ खिचड़ी रख दी थी, मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ ग्रीन वाली, तो बस हम दोनों वही खाएंगे। तो मैं उसको तड़का देके, सिंपल तड़का देके बनाती हूँ, कैश को बहुत पसंद आती है, तो बस आज का लंच हम यही करेंगे। और मैंने नानी को भी बुला रखा है, उनको बुला लिया था बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उनको बुला लिया था, तो माइट की वो भी आएंगी आज। कैश के स्कूल से आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए पहले मैं लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ, अपना काम करना है थोड़ा बहुत जो भी कर पाऊँगी ना, तो आज अपना काम भी बैठ के करूँगी, बिकॉज कल तो कुछ भी नहीं हो पाया था। सो आज बेटर फील कर रही हूँ, तो अपना भी काम करूँगी और जैसे कैश का फिर आने का टाइम होगा फिर उसे लेने के लिए जाऊँगी। तो मीनवाइल खाना रख दिया था इसलिए, सो दैट कि पहले खाना प्रिपेयर रहेगा तो मुझे खाने का लंच का स्ट्रेस नहीं रहेगा, कैश आराम से आएगा ना तो फ्री होके, मतलब जो भी अपना वो फ्रेशन अप हो जाता है उसके बाद फिर आराम से हम बैठ के लंच कर लेंगे साथ में। तो ये मेरा साथ के साथ हो गया डान। मुझे यूजुअली आदत है बहुत सारे काम करने की, मतलब मैं एक दिन में काफ़ी सारे काम करने की कोशिश करती हूँ, जो भी मतलब मेरे रूटीन्स रहते हैं, और जब ऐसे बीमार हो जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ तो बहुत ही लो फील हो रहा होता है, और साथ में ये भी लग रहा होता है कि खाली बैठना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो मैंने रख दिए थे साथ में वाइट छोले, वाइट छोले मैं भिगा के रख रही हूँ, आज धूप भी निकली है तो भिगा के रख रही हूँ, मैं धूप में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, और इनको मैं या तो मैं इनको कुलचे के साथ सर्व करूँगी, मतलब कुलचे के साथ इसको बनाऊँगी, या फिर हो सकता है रोटी या पूड़ी के साथ, जैसे कि आज को खाना पसंद होगा। तो आज वाइट छोले भिगो के रख रही हूँ। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे और इसमें ड्रिंकिंग वाटर डाल दिया, इसको सोक करके रख रही हूँ, बाहर रखूँगी बालकनी में, काफ़ी धूप आ रही है। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी मतलब जैसे रेनी वाला वेदर हो रहा था, ड्रिपिंग भी हो रही थी, बूंदाबांदी हुई है, और अभी मैं रख रही हूँ धूप में क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है, तो इसको धूप में रख रही हूँ, अच्छी धूप लग जाएगी और फिर आराम से बॉयल भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बारिश के टाइम में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भी धूप दिखा देना चाहिए, और आज अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैं यहाँ पर मैंने काजू निकाल के एक पूरी प्लेट में डाल लिए हैं, इसको मैं रख रही हूँ धूप में, इसको भी साथ में धूप लग जाएगी, फिर शाम होने से पहले ना मैं इसको उठा लूँगी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए बॉडी में एनर्जी आ रही है और फिर थोड़ी देर में लो फील हो रहा है अभी, बट हाँ मैं मेडिसिन साथ साथ में ले रही हूँ। और अभी जो मैंने आज तो मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है, मतलब छोटा मोटा काम काफ़ी कर लिया है, कल तो बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, बट आज थोड़ा बेटर फील हो रहा तो कर लिए। तो यहाँ मैं बैठी थी अपनी एडिटिंग करने के लिए, ऑल दो आईज में बहुत स्ट्रेन आ रहा था, काफ़ी मुश्किल हो रही थी, बट मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं कर पा रही थी, मैं सोचा अभी कैश के आने में टाइम है तो मैं पहले ये वाला काम कम्प्लीट कर लूँ। मुझे पता था ये दादी होगी मेरे प्यारे, आइए आपको तो फ्री अभी तो स्कूल था। अच्छा आ जाओ, आप चलो आप चलिए। नमस्ते, मुझे पता है ना नानी छोले भटूरे लेके आना। अच्छा आ जाओ, बस हूँ ही आया स्कूलों की, आ जाओ आ जाओ। पहले कुत्ता जो आया था तेरा नाम बता, आपने देखा था ना? हाँ देखा, वो यहाँ पे आया था। दादी पहले भी कुत्ता आया था, वो यहाँ पे
हो गए हैं। आपको दादी आपको किंग क्वीन साइज सुपर ये क्या क्वीन साइज को किंग साइज भाई के ये लगाते हैं। मेरे बच्चे के देख भगवान जी ने दे दिया ना, भगवान जी ने कहा सावन का महीना है भोले भंडारी का, मम्मी भोले भंडारी का मानती है, शिव शंकर भगवान जी भोलेनाथ भगवान जी का। नानी के आते ही क्यांश अपना बेड दिखाने के लिए आया था नानी को, यहाँ वो सब चीज़ें दिखा रहा था। नानी के आते ही क्यांश की चटचट शुरू हो जाती है, ही इज़ वेरी हैप्पी। और नानी खाना वगैरह बना के लेकर आई थी तो बस वही सब ओपन कर रही थी, हम साथ में लंच करेंगे। मैंने खिचड़ी बना रखी थी ऑल दो, बट नानी भी खाना बना के ले आई थी तो बस अभी खाना खाएंगे। क्यांश की फरमाइश पर छोले भटूरे आए थे तो क्यांश अपने छोले भटूरे खा रहा है। शाम के टाइम पे ये लोग चले गए थे पार्क, मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं नीचे जाऊँ तो मैं नहीं गई, तो नानी के साथ क्यांश पार्क में चला गया था। तो मीनवाइल मैं अपना मैंने छोले जो भिगा के रखे थे ना वो अच्छे से सोख हो गए थे, तो आज हम बॉईल नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी सारा खाना जो है नानी बना के भी ले आई थी तो सब पड़ा हुआ है। तो अभी मैं ये छोले बॉक्स में डाल के रख रही हूँ, कल के काम आ जाएंगे। तो मैंने इन सबको डाल दिया है इस बॉक्स में, मैंने इसमें ड्रिंकिंग वाटर डाला था तो क्लीन ही है, तो बस बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, ये नेक्स्ट डे के लिए काम आ जाएंगे। क्यांश ने मुझसे एक न्यू पेंसिल बॉक्स मांगा था, ऑल दो उसके पास पेंसिल बॉक्स था बट ही वॉन्टेड अ पेंसिल केस काइंड ऑफ, तो मैंने बहुत ढूंढा था तो मुझे ये बहुत अच्छा मिल गया था। एक्चुअली उसको सब चीज़ें स्पाइडरमैन वाली ही पसंद आती हैं, उसका बैग भी हमें स्पाइडरमैन वाला मिल गया था, काफ़ी कुछ है उसके पास स्पाइडरमैन थीम में। तो फाइनली एक पेंसिल बॉक्स शायद नहीं था, ये एक मुझे मिला, बहुत ही स्मार्ट सा पेंसिल केस है, पूरा स्पाइडरमैन की थीम में है। क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छा मिला मुझे, मैंने इसीलिए इसको पिक किया। तो ये बड़ा भी है, इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पर पेंसिल्स का स्लॉट बना हुआ है, बहुत सारी पेंसिल्स इसमें रख सकते हैं, पीछे आप रूलर रख सकते हो, कोई भी चीज़ ऐसी रख सकते हैं स्टेशनरी का ही। और यहाँ पर एक जिप दी हुई है और नेट दिया हुआ है, नेट भी यहाँ पर ना बहुत अच्छी क्वालिटी का नेट दिया हुआ है। और यहाँ पर कलर्स वगैरह या जो चीज़ें रखनी हो शार्पनर एट्सेट्रा, तो इस तरह का। ऑल दो मैं देख रही थी मैग्नेट वाला, बट मैग्नेट वाले में मुझे रेगुलर वाले मिले, जो रेगुलर डिजाइन आते थे ना तो वही सब मिले, मुझे कुछ स्टाइलिश अच्छा नहीं मिला। बट ये वाला पेंसिल केस मुझे बहुत अच्छा मिल गया, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस तरह का केस लूंगी तो शायद इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज किया है, ऑफलाइन मार्केट से लिया था, बहुत अच्छा है। और इसकी जिप देख लो, इतनी वाइड जिप वाले तो हार्डली ही मिलते हैं, तो इसकी जिप भी बहुत वाइड है, बहुत अच्छा है ये। तो ये बड़ा प्यारा सा एक ऐड हो गया है क्यांश के स्पाइडरमैन थीम वाले चीज़ों में, तो स्पाइडरमैन बैग स्पाइडरमैन, तो ये एक पूरा सेट बन गया है, ये भी एक स्पाइडरमैन ऐड हो गया उसके कलेक्शन में। का स्पाइडरमैन बैग है, स्पाइडरमैन थीम का स्काई बैग्स का, जो मैंने इस बार उसके स्कूल के लिए लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये भी, और साथ में ये मैचिंग मैचिंग मिल गया देखो। और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी, जैसे ब्लू वाला भी आता है ना, तो ये ब्लैक और रेड वाला कोइंसिडेंटली मुझे मिला, और डेफिनेटली बड़ा अच्छा थीम अप कर रहा है उसका बैग और ये पाउच। तो मैं उसके केस में ये ऐड कर रही हूँ, मतलब पेंसिल्स रख रही हूँ, ये पेंसिल कलर्स हैं सारे, तो पेंसिल कलर्स डाल रही हूँ इस जिप वाले एरिया में, तो यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। यूजुअली क्या होता था, मुझे ना अलग से केस देना पड़ता था उसको, पाउच वगैरह या बॉक्स कलर्स के लिए, क्रेयॉन्स के लिए अलग ही रखा हुआ है, ये मैं इसमें पेंसिल कलर्स डाल रही हूँ, सारे पेंसिल कलर्स इसमें आ गए बहुत अच्छे तरीके से। और इधर मैं डाल रही हूँ उसके इरेजर्स वगैरह, देखो रूलर यहाँ पर कितने अच्छे से सेट हो जाता है, तो यहाँ पर रूलर रख दिया, ये उसकी इरेजर है, इस इरेजर के साथ ही शार्पनर भी है, ये डॉम्स का ही है, तो ये है एक एक्स्ट्रा शार्पनर है, इरेजर अलग से दी हुई है, मतलब दो इरेजर्स ले जाता है वो। पेंसिल्स देखो वो कितनी सारी लेके जाता है, उसको ना पेंसिल्स बहुत सारी ले जाने का शौक है, तो मैं अभी 4 पेंसिल्स रख देती हूँ, बाकी वो अपने आप सेट कर लेगा। इसमें बहुत सारी पेंसिल्स आ जाती है, मतलब एक एक स्लॉट में ना इसमें दो दो पेंसिल्स आ जाती हैं, तो जैसे मैं आपको रख के दिखाऊँ, बहुत आराम से यहाँ पर दो दो पेंसिल्स आ जाती हैं ये इस तरह से, तो उसने बहुत सारी पेंसिल्स रखी हुई हैं। मैं अभी 4 पेंसिल्स रख रही हूँ, बाकी वो एक बार आके अपने लिए देख लेगा उसको कितनी पेंसिल, मुझे पता है वो सारी पेंसिल्स ले जाएगा। मतलब ये देखो कितनी पेंसिल है, 4 तो मैंने डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 13 पेंसिल्स उसने रखी हुई हैं जो मैं उसको डेफिनेटली नहीं देने वाली हूँ, तो मैंने फिलहाल ये 4 पेंसिल्स इसमें लगा दिए, और देखो कम्प्लीट उसका सेट रेडी है, सब चीज़ें इसमें आ गई हैं, और अभी भी इसमें बहुत सारे, मतलब ये सारी पेंसिल्स भी इसमें आ जाएंगी, इतना स्पेस है इसमें, और उसका केस रेडी हो गया है।
ये देखो, ये है ज्ञान के न्यू टॉयज, ये निकले हैं। ये तो उसका सैनिटाइजर है, स्कूल लेके जाता है ना, मैंने लेबल करके दिया हुआ था, आज सारा स्पिल हो गया कहीं से, तो उसका नाम वगैरह सब इरेज हो गया है। तो ये एक सैनिटाइजर की बॉटल मैं ज्ञान के स्कूल बैग में हमेशा रखती हूँ। तो ये छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से टॉयज, हॉट व्हील कार्स हैं, और ये दोनों कार्स है, देखो कितनी क्यूट कार्स है, मतलब ये स्पोर्ट्स कार्स है, मुझे तो बड़ी पसंद आती है इसकी छोटी छोटी कार्स। ये दो नए टॉयज आए हैं, मतलब ये निकले हैं किसी उसमें चॉकलेट के उसमें से। तो ये देखो, ये एक मॉन्स्टर है, बड़े क्यूट लगते हैं छोटे छोटे से, और ये सुपर हीरो, मिनी सुपर हीरो, बड़ा प्यारा है। इसके फ्लैप्स खुल जाते हैं, इसका एक वो भी आया था, केप भी आया था पीछे का, क्या आज ने पता नहीं कहाँ रख दिया है, तो एक केप भी आया था इसके पीछे लगाने के लिए। तो ये इस तरह का, वो यहीं ये मैंने नहीं रखा, वो यहाँ पर ये खुद सजा के गया है, यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर उसने सजा दिया है, यहाँ सजा के गया वो। तो इसके बड़े छोटे छोटे टॉयज ना मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। ये है हमारा आज का डिनर, पत्ता गोभी की सब्जी विद मटर और येलो वाली दाल है। चांच ने पार्क से आके चेंज वगैरह कर लिया है, वो अपने छोटे छोटे टॉयज दिखा रहा था, और तो मैंने पहले दिखा दिया था बट उसे नहीं पता, तो वो अपने छोटे वाले टॉयज लेकर आया है। चांच को भी छोटे छोटे साइज़ वाले टॉयज बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत पसंद आते हैं उसे भी, और मुझे भी इसके छोटे वाले टॉयज बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने दिखा दिए आपके टॉयज पहले ही दिखा दिए, ये मॉन्स्टर है, कोई एलियन मॉन्स्टर लग रहा है। डॉक्टर ओ फ्लाई करके आ रहा है। डिनर करने के बाद मैं साथ में ही दवाई ले लूंगी, क्याश को भी टाइम से सुला दूंगी, बिकॉज नेक्स्ट डे स्कूल भी है और फिर टाइम से उठना भी है। सो वी आर गोना स्लीप नाउ, और बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।